किसान का लाखों रुपए से भरा बैग ले उड़ा नाबालिग चोर, जमीन की रजिस्ट्री कराने गोल्ड रख लिया था लोन। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। सीसीटीवी कैद हुई चोर तलाश में जुटी पुलिस। गोल्ड रखकर बैंक से लिया था गोल्ड लोन। शिवपुरी जिले के कोलारस थाने के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में एक किसान के साथ चोरी की वारदात को अंजाम उस वक्त दे दिया गया जब किसान बैंक से पैसे निकालकर एक दुकान पर जाकर सामान खरीद रहा था। इस दौरान चोर किसान के बैग से 1,70,000 रुपए निकालकर रफो चक्कर हो गए। किसान ने इसकी शिकायत कोलारस थाने में पहुंचकर दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार रिजोदा गांव के रहने वाले अनंत सिंह रघुवंशी अपने बेटे जितेंद्र रघुवंशी के साथ बैंक से गोल्ड लोन लेने के लिए कोलारस पहुंचे थे, जहां अनंत सिंह रघुवंशी ने कोलारस में स्थित एक्सिस बैंक में सोना रखकर 1,70,000 रुपए की राशि का लोन लिया था। किसान आनंद सिंह ने बताया कि बैंक से पैसे निकालने के बाद वह पास ही में स्थित जय अंबे जनरल स्टोर पर कुछ सामान लेने के लिए चला गया। इस दौरान पैसे उसके पास बैग में ही रखे हुए थे। जब वह जनरल स्टोर की दुकान से सामान खरीद रहा था, इस दौरान किसी अज्ञात नाबालिग चोर ने उसके बैग में रखे 1,70,000 रुपए की चोरी कर ली और मौके से फरार हो गया। हालांकि पैसे चोरी होने की धनक से तत्काल लग गई थी, परंतु जब तक पैसों को लेकर चोर मौके से रफू चक्कर हो चुका था। क्या नाम है आपका? जितेंद्र अग्रवाल। अच्छा, आपके साथ पैसे में से बैग चला गया, पूरा क्या मामला है? सर, गोल्ड लोन रखते 1,70,000 रुपये निकाले थे, वहीं से बैग रखा एक दुकान पर और पेपर खरीदने लगे और एक बच्चा आया पीछे से और बैग उठा के ले गए। हमने 2 मिनट बाद देखा पापा ने, पापा बोले बैग कहाँ है, हालांकि कितने सर। तो वो बैग दुकान वाला बोला कहीं आगे कैमरा है कहीं, तो वापस जाके हमने देखा तो 3 आदमी थे, एक बच्चा बैग उठा के ले गया और गाड़ी पर 2 जने पहले से ही तैयार थे, उठा के और भागे चले गए। मुंह पे कपड़े वपड़े बांधे थे वो? नहीं बांधे, कुछ नहीं बांधे थे। अच्छा अच्छा, पुलिस में शिकायत की आपने इसकी? सर, जाके हमने पुलिस थाने में गए, वहाँ से पुलिस आ गई, फिर कैमरा में हमारा चेक कर रहा है। क्या नाम है आपका? अनंत सिंह रघुवंशी। कहाँ के रहने वाले हैं? आपके पैसे में ऐसे कैसे चले गए, क्या था मामला? अरे, 1,70,000 रुपये थे, आधार कार्ड था, बैंक की पासबुक थी, बैंक की चेकबुक थी और भी छोटे भाई का उसमें बोल रखा था आधार कार्ड। पैसे कहाँ से निकाले थे आपने? एक्सिस बैंक से। अच्छा, पैसे निकालने कितनी देर बाद आपके पैसा गया ये? जी लगभग 8-15 घंटा बाद मान लो। कहाँ से? ये जी, जी नहीं, जे एम बी जनरल स्टोर। हाँ, वही की दुकान से। तो क्या सामान वामान लेने गए थे आप? हाँ, सामान ले रहा था भाई की काउंटर से, भाई ये सामने ले खाओ तो बैग रखो तो भाई। अच्छा, आपने पैसे किसी से निकाले थे बैंक से? बैंक से मैं जमीन खरीद रहा था, छोटे भाई की जमीन उसने बेची थी, हमने खरीदी थी, उनके लिए देना था। सोमवार अरेस्ट किया जी। अच्छा, कोई शादी मादी भी थी क्या घर में? नहीं, शादी मादी नहीं। अच्छा, आपने पुलिस में शिकायत की है? हाँ, की है ना। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे लोग लगे हो पैसे निकालने के समय, कोई बदमाश लोग? नहीं लग रहा साहब। अच्छा, कितने लोग थे आपने देखा पैसे ले जाते समय कुछ ऐसा? ले जाते समय तो मैंने नहीं देखा, थोड़ा एक मिनट पहले एक लड़का एक सर, आज एक किसान के कुछ पैसों से भरा बैग चोरी हो गया है, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली ये रिजोदा गांव के अनंत रघुवंशी जी एक गोल्ड लोन लेने के लिए आए थे, इसके बाद ये एक्सिस बैंक से इन्होंने पैसे निकाले और कोऑपरेटिव बैंक में जाके फिर वापस उधर आए थे, तो किसी ने इनका पैसों से भरा हुआ बैग, इनका ध्यान नहीं था उस टाइम, किसी बच्चे ने उठा लिया। सर, कितने रुपए थे बैग में? सर, बैग में तकरीबन 1,70,000 रुपए बता रहे हैं। सर, कहाँ से चोरी हुआ सर बैग? ये एक्सिस बैंक के सामने से ही चोरी हुआ। जी सर, तो ये कुछ लोग पता चला सर कौन थे, क्या लोग थे? हम एक्चुअली जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उनको खंगाल रहे हैं और ये मोडस ऑपरेंडी से यहाँ के लोकल लोग नहीं लग रहे, कोई शातिर गैंग का हाथ। कितने लोग थे सर उसमें? 3 लोग थे सर। कोई एक नाबालिग बच्चा ही बताया जा रहा है जो बैग उड़ा के ले गया? हाँ, सीसीटीवी की फुटेज देखने से ऐसा ही लग रहा है कि एक नाबालिग बच्चा भी शामिल। जी सर।